हेलो गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। और गाइस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ आप सभी के लिए एक और नया एपिसोड गाइस आर्क सर्वाइवल द बॉल का, आर्क ड्रैगन हंटर का। तो गाइस आर्क ड्रैगन हंटर का आज का ये वाला जो एपिसोड है वो यहाँ पे शुरू करने से पहले जो भी नए बंदे होंगे यार चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा, फटाफट से इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड गाइस अगर आप लोग को आर्क पीसी, आर्क मोबाइल, माइनक्राफ्ट, रस्ट वगैरह के सर्वर बनाने, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में निट्राडो का लिंक है, वहां से आप लोग सर्वर बना सकते हो। सो निट्राडो सर्वर को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर चेकआउट करना। पिछले एपिसोड में ये ओपी सा गाइस, आप लोग जो गरीना बॉस देख रहे हो, फ्री फायर वाला गरीना नहीं, ये अलग गरीना बॉस है भाई, ठीक है। सो इस गरीना बॉस को टेम करने का काम हम लोग ने पिछले वाले एपिसोड में गाइस यहाँ पे करा था। और सच में गाइस इसका लुक काफी ज्यादा जबरदस्त है, अटैक और डैमेज उतना खास नहीं है। और इनके एक आर्मी को मैंने पिछले एपिसोड में 5 बिलियन हेल्थ वाले बॉस से भी भिड़ाया था, जहाँ पे मात्र एक पटके में भाई जुलाब लग गया था क्या गरीना को, इतना ज्यादा पॉटी कैसे करा है, देख रहे हो पॉटी कैसे लाइन लगा के रख दी है भाई गरीना बॉस ने, तो ये देखना, वाह भाई वाह, सही है। चलो सो गाइस पिछले एपिसोड में ना हम लोग ने एक बॉस फाइट भी ली थी, जहां पे मात्र एक फटके में उस बॉस ने हमारे गरीना बॉस को, मतलब गरीना बॉस की आर्मी को सिर्फ और सिर्फ एक फटके में यहाँ पे उड़ा दिया था। सो इससे आप लोग बॉस की जो पावर है गाइज उसका अंदाजा तो आसानी से यहाँ पे लगा पाए होंगे। तो भाई आज हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे कि मैंने बोला था आज के जो एपिसोड होने वाले वो बॉस टीमिंग वाले एपिसोड होंगे। और अगर आपने देखा होगा तो हम लोग ने टोटल जो 3 एपिसोड भाई आज यहाँ पे निकाले, उनमें से 2 एपिसोड में बॉस टेमिंग है और 1 एपिसोड में जो है बॉस फाइट है। और अभी बचा हुआ जो गाइस हमारा कैरोलिन डोडोर एक्स बॉस है, उसको भी हम लोग अभी यहाँ पे टेम करने वाले हैं, ठीक है। मैं पहले तो भाई ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो इन्होंने बक्सा दिया है मुझे जो बॉस फाइट करने के बाद मुझे मिला है, इस बक्से का एक्चुअली में क्या यूज है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। और एक और बात, मुझे ओरिजिनली चाहिए होगा, क्योंकि ये जो गाइस डोडोरेक्स बॉस है वो ओरिजिनली वाला डोडोरेक्स है। इसको भाई क्राफ्ट करने के लिए अभी क्या चीज मांग रहे यार ये लोग, रुक जाओ, ओरिजिनली इतने ज्यादा आसानी से क्राफ्ट नहीं होगा। ओरिजिनली के लिए हम लोग को भाई हार्ट ऑफ द बीस्ट, 1 मिनट, क्या हार्ट ऑफ द बीस्ट सेडिमेंट, सेडिमेंट का तो जुगाड़ कर लूंगा यार मैं, उसकी भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट ऑफ द बीस्ट, अबे यार रुको गाइस रुको, टेमिंग पॉज करनी पड़ेगी बॉस की, बॉस टेमिंग में एक बाधा आ चुकी है। गोरिल्ला गया क्या कोई यहाँ पे, अरे शील्ड पे हमला, मारी शील्ड पे हमला कर रहा है तू, रुक जा बेटा रुको गाइस, ये गोरिल्ला ना कुछ ज्यादा ही लाड में आ रहा है भाई, हमारी शील्ड पे हमला कर रहा है, उसको अगर यहाँ से छोड़ दो, नहीं लग रही उसके ऊपर, नहीं लग रही है भाई, इतना ज्यादा बड़ा बॉस है ना यार ये देखो इसने हर जगह पे घास ही घास उगा के रख दी है, ये इसका स्पेशल पावर है वैसे भाई, जब भी बॉस से नीचे उतरते ना भाई आदिल तो ऐसे ही डाउन हो जाती है। रुको ये गोरिल्ला की बैंड बजा के आने दो। कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट ये आ गया है कि हम लोग को हार्ट ऑफ द बीस्ट चाहिए जिससे ओरिजिनली बनेगा। अभी ओरिजिनली हम लोग को क्यों जरूरी है, क्योंकि हम लोग को अगर डोडोरेक्स को टेम करना है, यार रुक जाओ यार गेम का हाउस कम रखा था मैंने, मैं गेम का हाउस थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ओए अरे इसकी है, इसकी है, अबे इमोर्टल है क्या, उसको एरो लग रही है, चिपकी है उसको एरो भाई, हाँ मर गया फाइनली भाई, इतने एरो लगी है देखो लेकिन एक भी डैमेज नहीं पड़ा, क्या ही बोले, रुक जाओ एरो सारे उठाने दो। हाँ तो मैं क्या बात कर रहा था कैसे यहाँ पे, मैं बात कर रहा था कि हम लोग को अगर ओरिजिनली वाले उस डोडोरेक्स को टेम करना है तो हम लोग को ओरिजिनली टेमिंग फूड बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हार्ट ऑफ द बीस्ट की ज़रूरत है। एंड वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ से मुझे मिलेगा, रुक जाना, बट उससे पहले मुझे ये 100 बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, और इन 100 को डालना पड़ेगा इधर, जिससे हमारे सेडिमेंट बनेंगे 10,000। हाँ भाई यहाँ पे तो भाई सेडिमेंट पहले से बने हुए हैं,
पहले से बने हुए सीढ़ी में। चलो कोई ना, और थोड़े एक्स्ट्रा बनाने के लिए मैंने डाल दिए हार्ट ऑफ द बीस्ट, हार्ट ऑफ द मानुस नहीं भाई, लेजेंडरी लेजेंडरी हार्ट ऑफ द बीस्ट देंगे मुझे। अच्छा, इनको बनाने के लिए ये टोकन की जरूरत है, ये देख रहे हो, इनको बनाने के लिए देखो यहाँ पे गरीना टोकन की जरूरत है। अच्छा इससे बोलो ना मिथ चाहिए, दोनों मिथ चाहिए। यार मिथ तो मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने वॉल्ट में मिथ डाल रखा है। क्या बात कर रहे हो तुम, रुक जाओ, मिथिकल वाला हाइट नहीं है क्या मेरे पास? मेरे पास मिथिकल वाला हाइट तो गाइस कम से कम होना चाहिए, जितना मुझे आइडिया है मेरे पास वो नहीं है। रुक जाओ, फिर मिथ को मैं एक का डबल करने के लिए डाल देता हूँ। सो गाइस आज भी थोड़ी सी बॉस फाइट करनी पड़ेगी, कहानी में गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया और ओरिजिनली जो है गाइस वो हम लोग बना नहीं पाए, उसके लिए हार्ट ऑफ द बीस्ट चाहिए। और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो गाइस बॉस में बना रहा हूँ उनको मारने से मुझे हार्ट ऑफ द बीस्ट मिल जाएगा। गाइस इन बॉसेस को ना मैं अपने इस गरीना वाले बॉस से बिड़ा दूंगा, ठीक है, मज़ा आएगा भाई काफ़ी ज़्यादा। इनको भाई गरीना से बिड़ा देते हैं डायरेक्टली, इनको क्राफ्ट करने के लिए रुक जाओ, ये गरीना टोकन को भी मैं और थोड़ा एक का डबल बना लेता हूँ। ओके ये वाले ये बॉस बनाने के काम आते हैं, मुझे लगा था गाइस कि ये ऐसे फालतू में दिए हैं, इनसे हम लोग बना सकते हैं बॉस। चलो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, एक का डबल हो रहा है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको लगा दूंगा, ये भी एक का डबल हो रहा है। एंड अभी मुझे यहाँ पे बना लेना है लेजेंडरी वाला, ये बराबर मिथिकल मिथ भी सारा हमारे पास आ चुका है, इसको टर्न ऑन करेंगे, इसको बना लेंगे। वैदिन को बनाने की ज़रूरत है या फिर इससे पे दोनों को बनाते हैं, दोनों को बनाते हैं, टेंशन नहीं लेने का, दोनों को बनाते हैं, इसको टर्न ऑफ कर देते हैं, ठीक है भाई। टर्न ऑफ करने से रोर वाली आवाज़ आई। चलो तो अभी इन दोनों बॉसेस को हम लोग मारने का काम करेंगे हमारे गरीना से, जो हमारा रेक से गाइज खतरनाक सा, उसकी मदद से हम लोग इन दोनों बॉस की बाढ़ बजाने की कोशिश करेंगे। और इनसे फाइट जो है गाइज वो मैं बीच पे ही लेने वाला, मुझे अपने गरीना पे पूरा भरोसा है कि हमारा गरीना जो ना गाइज इन बॉसेस की बाढ़ बजा देगा डायरेक्ट, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, डरते क्या है बॉसेस से, ये बॉसेस छोटे बच्चे हैं भाई, छोटे बच्चे। मैं फटाफट से पहले पूरा एरिया क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बॉस फाइट में मुझे बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग अभी लेने वाले बॉस फाइट, सो आर यू गाइज रेडी? पहले मैं उस बॉस को बुलाता हूँ, पहले उस बॉस का आप लोग लुक देख लेना। ये आ गया पहला, यू वांट टू कंज्यूम दिस कंफर्म? श्योर भाई श्योर, व्हाई नॉट। आ गया गाइज, आसमान से आ गया ये हमारा भाई, ये तो पुराने वाला ही है, इसका लुक तो बिल्कुल भी चेंज नहीं करा गया। ओ इसके भाई कंधे के ऊपर भाई वो स्कल वगैरह लगा दिया गया है, बाकी तो भाई हमको पुराना वाला ही लग रहा है गाइस। ये तो देख रहे हो इसके एक हाथ में सॉर्ड है, एक हाथ में भाई हुक है भाई, ठीक है। चल बेटा कल बेटा मैं कर भाई इसको भी पॉइजन वाले गार्डन से, पॉइजन गार्डन में आ जाइयो, पॉइजन गार्डन में आ जाइयो भाई, पॉइजन गार्डन इसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। वाह कल मेरा भी डैमेज इसके ऊपर ज़्यादा नहीं जा रहा है, चिल्ला रहा भाई फुल चिल्ला रहा हूँ करके। ये ले बेटा अरे तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा, इसका डैमेज ज़्यादा नहीं जा रहा है, छोटा बच्ची छोटी बच्ची हो गया भाई, है छोटी बच्ची हो गया, इसको मार देता हूँ। रुको मैं बच्चा यार ये छोटा, इसको तो ऐसे ही मार दूंगा मैं, मर नहीं रहा यार मेरे से, ये मर नहीं रहा। गार्डन में फाइट लूंगा मैं, गार्डन में पॉइजन भी पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा गाइस, इसको थोड़ा थोड़ा पॉइजन भी पड़ेगा। स्टैमिना खत्म हो गया मेरा, जूट बिना स्टैमिना के कुछ नहीं कर सकता क्या तू? गरीना अंकल ऐसा ना करो यार, मार रहा भाई वो, लेकिन उसका मेरा उसके ऊपर भाई 14,000 का डैमेज जा रहा है, और उसका नहीं मेरा 2,00,000 का डैमेज जा रहा है, और उसका मेरे ऊपर भाई लगभग 40,000 का डैमेज जा रहा है। 15 मिलियन हेल्थ है इसकी, मेरे से ज़्यादा हेल्थ है भाई, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसको मारने के लिए, बट कोई ना, ये सेम टायर का गाइस डायनो है, सेम टायर का बॉस है एक्चुअली में। ओके सेम टायर का बॉस है, देखो कैसे भाई घुमा के पत्थर फेंक रहा है यार, मुझे अपना स्टैमिना रिकवर करने दो। ये देखो कैसे मार रहा है मेरे को, ले 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 ले, क्या हुआ भाई, नहीं मार पाएगा यार भाई, इसको क्या हो गया, ये जुलाब क्यों कर रहा है बेचारा, ये देखो इसकी मेरे गरीना बॉस की टट्टी निकल गई गाइस, पहाड़ खड़ा कर दिया इसने तो पोटी कर करके। रुकना अभी इसको मार देता हूँ मैं भाई, इसको मारने का टाइम आ चुका है, अभी इसकी जो ना कि बैंड बजने वाली है, फुल हम लोग भाई दबा के यहाँ पे हार्वेस्ट कर रहे हैं, मारने की ट्राई कर रहे हैं। बाय बाय कल आना कल भाई, इसको मैं खा भी गया,
इसका टेमेबल, ओह यस, जो चीज़ हम लोग को चाहिए थी वो मिल गई है। इसका टेमेबल वर्जन जो है गाइस वो भी हम लोग को मिल चुका है। अभी गाइस मैं यहाँ पे वाइडन को भी बुलाऊंगा, वाइडन के बच्ची, कम ऑन वाइडन, एक ड्रैगन, वाओ वाओ वाइडन वहाँ तो खतरनाक लग रहा है, ये बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा है भाई। भाई गोल गोल घूम घूम के आके मारेगा भाई, गोल गोल घूम घूम के मार रहा भाई। ठीक है रुको, मैं अपना गार्डन वाला अटैक भी डाल देता हूँ, इससे एटलीस्ट इसको पॉइजन वाला इफेक्ट पड़े, एटलीस्ट पॉइजन वाला इफेक्ट पड़े भाई। इसको मार रहा भाई, मार रहा मार रहा मार रहा मार रहा मार रहा, इसको फायर वाला अटैक ज्यादा डैमेज दे रहा है मुझे भाई। चिंता चिंता के जमीन पे कूद कूद के मार रहा भाई मेरे को, ये वाला अटैक भाई, ये वाला अटैक काफी ज्यादा डैमेज डील कर रहा है मेरे ऊपर भाई इस बॉस का। रुक जाना, इसको मारने की पूरी ट्राई कर रहे हैं और ये मर जाएगा गाइस इजीली, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है इस बॉस को मारना भाई। लेकिन मेरा स्टैमिना यार, मेरा स्टैमिना मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम दे रहा है। और एक तो बता रहे क्यों, ये जो गाइस हमारा रेक्स है, इसको पता नहीं इसने रात में क्या खाया था, ये भाई पॉटी करे करे जा रहा है यहाँ पर भाई, कंटिन्यूस डैमेज डील कर रहा है। शर्म आती है कुछ तेरे पर। ये ले मार खा ले भाई, इसका भी डेमेबल वर्जन वैसे फायदा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी डेमेबल वर्जन मिल जाएगा। मैं इसको फटाफट से यहाँ पे भगवान के पास पहुँचा दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट मरने में जमाई, लेकिन मेरा स्टैमिना खत्म हो रहा है बार बार, और ये अपने अटैक रोकने का नाम नहीं ले रहा। मेरा बार बार स्टैमिना खत्म हो रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, मर गया। ओ ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड, ही इज डेड, बट इसके फायर अटैक में स्टिल डैमेज पड़ रहा है। हम लोग को हार्ट ऑफ द बीस्ट जो है गाइस वो भी मिल चुका है, और इन दोनों बॉसेस का टेमेबल वेरिएंट जो है गाइस वो भी हमारे पास अभी यहाँ पे आ चुका है। चलो चुपचाप से घर पे चलते हैं, बॉस फाइट गाइस हम लोग ने कर दी है, शायद से हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि हम लोग गरीना को टेम कर लेना, क्या बोलते हो, हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है। या तो एक काम कर लेते हैं, जिन दो बॉसेस को गाइस अभी हम लोग ने गाइस यहाँ पे मारा है उन्हीं को हम लोग टेम करने का काम कर लेते हैं, क्या बोलते हो, या फिर गरीना बॉस को टेम करें। कन्फ्यूजन है थोड़ा सा भाई कि करे तो करे क्या, और करे तो किसको डेम करे एक्चुअली में। तो यहाँ पे डाल दियो भाई, इसके तो जरूरत नहीं है, ये टेमेबल। एक काम करता हूँ, गरीना को ही डेम कर लेता हूँ, गरीना को ही डेम कर लेता हूँ, रुको मैं गरीना को ही डेम कर लेता हूँ, ये यहाँ पे जाएगा बराबर, डन 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 डन। ओरिजिनली उसके लिए मुझे चाहिए होगा अभी ये लॉन्ग ग्रास, रेयर फ्लावर, रेयर मशरूम, लॉन्ग ग्रास, क्या इसके लिए फार्मिंग अलग से कर यार, ये कर लो अभी पहले तुम गाइस। आज गरीना बॉस टेम ना हो पाएगा, गरीना बॉस गाइस मेरे से टेम ना ही होना चाहता है, ये मुझे पता चल चुका है, क्योंकि अभी गाइस हम लोग को फार्मिंग भी करनी पड़ेगी, फार्मिंग के बिना हमारा काम नहीं बनेगा, अलग ही सीन है यार। रुको फार्म क्या बोलते उसको, क्रॉप प्लॉट, यार चीटिंग करता गरीना बॉस तू, चीटिंग करता, रुको और क्या होता है यहाँ पे स्टोन ना, हाँ स्टोन की पाइप शेप लाइन बना ले भाई, स्टोन की पाइप शेप लाइन बना लेता है, ठीक है ठीक है भाई, ठीक है भाई, सो का बना, सो खींच ले भाई, सो बनाने का मटेरियल खींच ले भाई, डन। चलो चलो गाइस रुको भाई, फार्मिंग करनी पड़ेगी, फार्मिंग के बिना भाई गरीना बॉस जो है गाइस उसको हम लोग टेम नहीं कर पाएंगे। 1000 लॉन्ग रस या 100 लॉन्ग रस मांग रहा था वो, लगा 1000 लॉन्ग रस मांग रहा है भाई। रुको अभी यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ, फार्मिंग तो करनी पड़ेगी हमको भाई, फार्मिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं फाउंडेशन भाई लगा के ना एक प्लेटफॉर्म बना देता हूँ जिसके ऊपर हम फार्म बनाएंगे हमारा, ठीक है, एक प्यारा सा चुटकू सा फार्म जो कि यहाँ पे बनेगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, और स्टेयर लगा दूंगा डायरेक्टली। फर्टिलाइजर भी चाहिए होगा ना, अरे यार फर्टिलाइजर का अलग सीन है ना, फर्टिलाइजर के लिए यहाँ पे जगह। चलो ओके ओके गाइस रुको, नाउ आई हैव टू मेक वेलिंग्स ओवर हियर, ठीक है ओके भाई, फर्टिलाइजर एक का डबल करना पड़ेगा मुझे, फर्टिलाइजर एक का डबल करना पड़ेगा, वो तो मैं कर लूँगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है।
स्टेयर्स चाहिए मुझे थोड़ी सी, बस ये बन गई थोड़ी स्टेयर्स, और ये स्टेयर्स यहाँ पे लगा देंगे भाई। अलग ही सीन हो गया भाई ये, सोचा था आज बॉस टेमिंग करूँगा, बड़े भाई कहाँ फंस गया भाई ये, मारेगा यार ये आके मेरा भाई, वो भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। रुको इसकी बैंड बजाने दो, ये ग्रिफिन जो घूम रहा है ना गाइज, ये आके मेरा फार्म भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सोच ले इस ग्रिफिन की ना, चलो बैंड बजा देते हैं, कल आना बेटा कल, चलो कल आना बेटा कल, ठीक है चलो। अभी यहाँ पे हम लोग को लगा देने क्रॉप लॉर्ड्स, जो कि हम लोग इस तरीके से लगा देंगे। इसके लिए भाई सीड जमा करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा भाई काम है, बहुत ज़्यादा काम है भाई। यहाँ पे नहीं करना है इसको लगाना, इसको यहाँ पे लगाना है। मेरे पास मैमथ होगा, मैमथ हम लोग को सीड्स जमा करके एक्चुअली में दे सकता है, ठीक है ओके। देखो पार्ट से कल बेटा कल, कल आना कल, मैमथ सीड चाहिए मुझे सारी, हर एक तरह की सीड चाहिए, ज़्यादा नहीं पाँच पाँच सीड चाहिए हर एक तरह की, चार चार एक्चुअली में, नॉट पाँच पाँच। अच्छा पाँच पाँच भी मिल गई तो भी कोई सीन नहीं है। चलो मेरे हिसाब से मैमथ ने सीड जमा कर ली होगी यहाँ पे, पाँच पाँच भाई दो सीड जमा करी है ये वाली, सिट्रोनल वाली सीड नहीं जमा कर रहा है, रुकना कहीं सिट्रोनल वाली सीड जो है कहीं तो जमा करने दो मुझे। सिट्रोनल की एक सीड मिल गई, दो मिल गई, सिट्रोनल की सीड ज़्यादा नहीं मिल रही है मुझे, ठीक है कितनी सीड हो गई, तीन सीड हुई है भाई। क्या सीड फार्म कर रहा है भाई मैमथ तू, भाई क्या कर रहा है भाई तू, सेव रूट तो इसको ऐसे जगह पे लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा घास फूस हो, ताकि ये सीड जो है जो फार्म कर सके। ओ इस इन वाले पौधे से ज़्यादा सीड मिल रही है थोड़ी, चलो पाँच पाँच भाई बस, एक और सीड चाहिए, एक और सीड आखिरी सीड, उसके बाद फर्टिलाइजर जो है उसका भी मैं जुगाड़ कर लूँगा, फर्टिलाइजर का कोई ज़्यादा सीन नहीं है। सिट्रोनल की दो सीड मिल गई मुझे, ठीक है चलो मैमथ को मैं यहाँ पे भाई छोड़ देता हूँ, एंड फर्टिलाइजर का जुगाड़ करने के लिए मुझे घर से टॉयलेट बना के लेके आना पड़ेगा, ओके टॉयलेट बना के लेके आना पड़ेगा। चलो सीड का जुगाड़ तो हो चुका है, मैं घर पे जाता हूँ फटाफट, रुको मैमथ को ये भी छोड़ के घर पे चलते हैं, टॉयलेट बनाते हैं, उसके बाद मुझे ऊपर से वो भी डालनी पड़ेगी, कहीं क्या बोलते हैं उसको, क्या होता है अपने वो पानी डालते हैं ना भाई, पाइप वगैरह भाई, उनका नाम भूल जाता हूँ मैं भाई, नाम भूलने लग गया आजकल मैं, बुलक्कड़ बन गया। चलो कोई ना, हम लोग चलते घर पे, एक टॉयलेट बना के लेके आते हैं। मैमथ खा रहा भाई सीड नहीं खाना, मैमथ मुश्किल से मिली एक तो, ठीक है तो यहाँ पे टॉयलेट बनाना पड़ेगा, ये बन गया हमारा टॉयलेट। मेटल चाहिए, मेटल नॉर्मल मेटल ले लियो भाई, नॉर्मल मेटल की कमी नहीं है भाई, अरे लेना बनाना भाई, यहाँ भाई मेरा मेटल वापस दे दे मुझे, मेरा मेटल वापस चाहिए। हाँ टॉयलेट, अभी टॉयलेट को लेके जाके वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है चलो टॉयलेट को फटाफट से लगा देते वहाँ पे, पाइपलाइन वगैरह लगानी पड़ेगी, उसके बाद ही टॉयलेट को यहाँ पे लगा पाएंगे अब। स्टोन की ये वाली पाइपलाइन, उसके बाद भाई सीधी वाली टेढ़ी वाली पाइपलाइन, चलो सो इसको हम लोग को लगा देना है यहाँ, उसके बाद जो टेढ़ी वाली पाइपलाइन है उसको लगा देना है यहाँ, उसके बाद जो हमारा टॉयलेट है वो आसमान की ऊंचाई पे लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी ऊंचाई पे ऐसा बैठेंगे पॉटी करेंगे, अनलिमिटेड फर्टिलाइजर बैठना पॉटी करेंगे, अनलिमिटेड फर्टिलाइजर पॉटी करेंगे, अनलिमिटेड फर्टिलाइजर बराबर, ठीक है घर पे चलते हैं, ठीक है इतना ही फर्टिलाइजर चाहिए था, क्योंकि यहाँ से मैं अनलिमिटेड फर्टिलाइजर निकाल सकता हूँ, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो बेटर रहेगा कि हम लोग ये फर्टिलाइजर यहाँ पे डाल के इसका एक डबल कर लें, ईजी पीजी ना मेरे भाई लोग। चलते सीधा लास्ट लोकेशन पे, पाइपलाइन का काम करना है अभी, पाइपलाइन का काम करना, काम खत्म नहीं हुआ गाइस हमारा, पाइपलाइन का काम करना है यार। अभी इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, उसके बाद गई जो सीधी वाली हमारी स्टोन की पाइपलाइंस होंगी उनको गई हम लोग को यहाँ पे थोड़ा बिछाना पड़ेगा, ठीक है उसके बाद हमको ये वाली पाइपलाइन जो है गई इनको थोड़ा बिछाना पड़ेगा, उसके बाद भाई थोड़े से ये बनाने पड़ेंगे ताकि हम लोग को पानी मिल सके, ठीक है अभी सीधी वाली पाइपलाइन बिछाओ भाई, बिछा लो भाई बिछा लो,
ओके इतनी ऊंचाई इनफ है, थोड़ा और ऊंचा कर देते हैं। चलो ऑल राइट, और यहाँ से हमारी लगेगी वो जो भाई ट्रायंगल वाली, ये वाली जो है ना भाई पाइपलाइन, ये पाइपलाइन जो है भाई चारों तरफ हम लोग को ऐसा कवर दे देते हैं एक्चुअली में। ठीक है, यहाँ तक भी पानी आएगा, सामने की तरफ भी आएगा ना, बराबर डन। उसके बाद जो हम लोग ने गाइस ये बना के रखे थे, ये आप ऐसे लगा देने जिससे पानी जो है गाइस वो हर जगह पे मिलता रहेगा। अभी मुझे बस देखने दो, हर जगह पे पानी मिल रहा है, हर जगह पे मिल रहा है ना पानी, हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। सो इस तरीके से पानी हम लोग को मिल रहा है, बराबर पानी मिल गया। अभी ये जो पाइपलाइन हम लोग ने लगाई थी इसको हाइड कर देना, हाइड कनेक्टेड पॉइंट्स। ठीक है, इजी पीजी। अभी यहाँ पे मैमथ के अंदर से सीड निकाल लेनी है, ये वन, ये टू, ये थ्री, गाजर की चार सीड है भाई। मैं बोल रहा था तेरे को हर एक भाई चीज की पांच सीड चाहिए मुझे, तूने गाजर की चार ही सीड कैसे दी मुझे। रुक जाओ गाइस, गाजर की एक और सीड चाहिए होगी, एक सीड कम दी है भाई हम लोग को मैमथ ने, गद्दारी करी हमारे साथ मैमथ ने भाई। गाजर की सीड नहीं मिल रही है क्या यहाँ पे, मुश्किल है क्या? गाजर की, रॉक रूट की दो सीड मिल गई, चलो गाजर की भी भाई सीड हम लोग को मिल चुकी है। अभी बाकी की बेरी में अपने पास रख लेता हूँ, किबल शिबल बनाने के काम आ जाती है बेरीज। चलो मेहमत को कर लेते क्रायो। अभी गाइज हमारा फार्मिंग जो है गाइज उसका काम लगभग 80% कम्प्लीट हो चुका है। अभी यहाँ पे हम लोग को डाल देनी है गाइज सीड। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ सिट्रोनल की सीड। ओके, सीडिंग अभी तक चालू नहीं होगी जब तक हम लोग इसके अंदर फर्टिलाइजर जो है गाइज वो नहीं डालते, तब तक हमारी सीडिंग जो है गाइज वो चालू नहीं होगी। सो इसलिए यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए मैं सीड डाल रहा हूँ, उसके बाद गाइज यहाँ पे हम लोग को फर्टिलाइजर डाल देना है, जो कि ऊपर एक का डबल हो रहा है। और मेरे हिसाब से अभी तक भाई भर भर के फर्टिलाइजर हमारे पास आ चुका होगा। टोटल दो जो सीड है गाइज, सिट्रोनल की और ये वाली कौन सी थी, लॉन्ग ग्रास की जो सीड है वो मैंने डाल दी है यहाँ पे। अभी बस दो और सीड गाइज यहाँ पे डालना बाकी है, एक तो सेव रूट की एंड उसके बाद भाई गाजर की। ओके, एंड हमारा फार्म जो है गाइज वो कंप्लीट हो जाएगा। आज का पूरा टाइम गाइज ये फार्म में ही निकल गया हमारा, हम खास कुछ कर ही नहीं पाए भाई, फार्म में ही निकल गया भाई हमारा आधा टाइम तो। अच्छा, मैं यहाँ पे ये जो हड्डियाँ मेरे पास है वो एज अ फर्टिलाइजर डाल सकता हूँ। दो हड्डियाँ पड़ी हुई है ना भाई, ये देखो फर्टिलाइजर डिपॉजिट भाई ख़त्म। ये दो हड्डियाँ एज अ फर्टिलाइजर काम करेगी, 100,000 फर्टिलाइजर देती है क्या ये भाई? ये पता होता तो मैं हड्डियों का भाई वो कर लेता। रुक जाओ, हड्डियाँ स्पॉइल तो नहीं होती ना, लेकिन ये स्पॉइल होती है क्या? ना भाई, एक दियो, हड्डियों को एक का डबल कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा नॉर्मल फर्टिलाइजर जो है वो आई थिंक से 10,000 देता है बस फर्टिलाइजर, और ये जो हड्डियाँ हैं वो दे रही है मुझे लगभग 100,000 का फर्टिलाइजर। तो भाई 10 गुना ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, तो कोई इसको ऑफ कर लूँ, और ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा, एक दो हड्डियाँ लगा दूंगा काम हो जाएगा हमारा। टर्न ऑन, एक दे दो, हड्डियाँ भी ले लेता हूँ गाइज़ रुको, मैं ये हड्डियाँ भी ले लेता हूँ, और कहीं पे इक्का डबल कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ ना, यहाँ पे लगा देता हूँ रुको, इक्का डबल बस इन हड्डी एक एक भी डाल दूंगा ना तो भी हमारा काम हो जाएगा। चलो अभी जल्दे फटाफट से नीचे फर्टिलाइजर वहाँ पे डालते हैं, और जो गाइज क्रॉप प्लॉट्स है वो उगने का हमको इंतजार करना है। और क्रॉप प्लॉट जो है गाइज, क्रॉप प्लॉट्स नहीं सॉरी, जो क्रॉप्स है हमारे वो उगने का काम करना है, काम करना नहीं इंतजार करना है। और इतने जल्दी जो है गाइज वो 60 भाई, हेलो भाई 20 फर्टिलाइजर डाल रहे हो तुम, शर्म है कुछ? सीधा 20 फर्टिलाइजर जा रहे सीधा भाई, हेलो यहाँ पे कितना गया? 40 भाई, मजाक हो रहा है क्या? ये नहीं मजाक हो रहा है क्या भाई? स्प्लिट ऑल कर लो, 40-40 डाल रहे भाई डायरेक्टली एक एक फर्टिलाइजर यहाँ पे। अच्छा वहाँ से मैं भाई स्प्लिट करके लेके आना भूल गया था मैं भाई वहाँ से, नहीं ये देखो ये है तो यहाँ पे, इसको भी स्प्लिट कर लेंगे गाइस रुको भाई, इसको अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे डाल लें तो चलो कोई ना, अभी बोन मिल डाल देता हूँ। ठीक है, 100,000 हो गया ना, हाँ ये एक एक बोन जो है ना गाइस वो यहाँ पे इनफ है भाई। 10,000,000 फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही है एक बोन, खाली एक बोन 10,00,000 फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे। और ग्रीन हाउस में नहीं बना रहा वैसे भी, क्योंकि ग्रीन हाउस बनाने में और ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलो ये बोन में यहाँ पे वापस से भाई डबल ट्रिपल डाल देता हूँ, अनलिमिटेड फर्टिलाइजर हो चुका है। देखो वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, वो नंबर आगे नहीं बढ़ रहा है, कितनी भी इसके अंदर बोन मिल डालो अभी। ओके,
हिस्से में से उगतो रहे ना, हाँ उगतो रहे, प्लांट्स तो उग रहे गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे प्लांट्स तो यहाँ पे उग रहे हैं, और इनको उगने में लगेगा गाइस थोड़ा सा टाइम, मतलब अगले एपिसोड में ही हम लोग हमारा जो डोडोरेक्स बॉस है उसको टेम कर पाएंगे। भाई अलग ही झंझट है भाई डोडोरेक्स बॉस को टेम करने का, मैं कितने एपिसोड से उसको टेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी ये चीज़ कम पड़ती है, कभी वो चीज़ कम पड़ती है, क्या ही बोले भाई, लेकिन कोई ना, चलो अगले एपिसोड में पक्का टेम हो जाएगा। रुको रुको गाइस, एक मिनट रुको, मैं पहले ओरिजिनली बना लूँ, नहीं मतलब ओरिजिनली अभी मैं तो बना नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भाई अभी तक वो वेजिटेबल्स नहीं है, बट मैं एक बार देख लूँ कि ओरिजिनली बनाने के लिए और कौन सी चीज़ की कमी पड़ रही है क्या हमको। लॉन्ग ग्रास सिट्रोनल 1500 चाहिए, शर्म आ रही है कुछ, 1500 मजाक हो रहा है क्या। रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम, रुक जाओ भाई, रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम के लिए हम लोग को चाहिए होगा मेटल, बराबर हम लोग को मेटल इनगट चाहिए होगा भर भर के, मैं मेटल इनगट ऊपर से लेके आ जाता हूँ। ग्रिफिन कहाँ पे मेरा, रुको रुको भाई, ये रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम है ना, ये बना के फ्रिज में डाल के रखूँगा, बस उसके बाद हम लोग को बस सिट्रोनल और लॉन्ग ग्रास, वो भी 1500, समझ रहे हो, 1500 भाई, 150 मैक्स टू मैक्स एक क्रॉप लोड में बनती है, और इन लोग को चाहिए 1500। मुझे लग रहा है इक्का डबल करने पड़ेंगे गाइस सिट्रोनल और लॉन्ग ग्रास, लेकिन 1500 इक्का डबल होने में भाई बहुत ज़्यादा टाइम लग भी जाएगा वैसे, लेकिन अगले एपिसोड में हम लोग कर लेंगे गाइस, ठीक है, इक्का डबल कर लेंगे, सारे क्रॉप लोड खाली करके दो क्रॉप लोड में लॉन्ग ग्रास और सिट्रोनल ली जो है ना गाइस, वो इक्का डबल करने के लिए डाल देंगे। रुक जाओ मुझे याद है, अभी रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम कितना, 600 चाहिए ना, 600 चाहिए रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 1000 भाई है, और ये 1000, ये 1000 नहीं बन पा रहा क्योंकि मेटल कम पड़ रहा है। रुको ऐसे मेटल पूरा का पूरा उठा के लेके जाऊँगा, अरे यार मैंने तोड़ दिया था ना यहाँ से मेटल थोड़े टाइम पहले, ओहे यहाँ पे मेटल है थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा मेटल है, जैसे हमारा कोई डायनो यहाँ पे हम लोग लेके आए थे उस टाइम पे टूट गया था सारा मेटल, से मेटल निकाल लेता हूँ मैं, 1000 रेयर फ्लावर और रेयर मशरूम टोटल में बनाने वाला हूँ, ठीक है, रेयर फ्लावर एंड रेयर मशरूम, ये बन गया 1000 रेयर मशरूम एंड रेयर फ्लावर, ठीक है काम 25 है, अभी चलते हैं आराम से गए हमारे ग्रिफिन के पास, एंड आपसे अभी फिलहाल के लिए तो गए हम लोग ले रहे हैं अलविदा, मिलेंगे सीधा गए सबसे अगले एपिसोड में। आज हम लोग ने बस दो बॉसेस को मारा है, उसके बाद हमारा फार्म बनाया है, और फार्म में जब तक गाइस, एक मिनट रुक जाओ, वेजिटेबल अभी बनी उगी हुई होगी क्या, अगर अभी उग गई है तो मैं अभी इक्का डबल करने के लिए वेजिटेबल डाल के रख देता हूँ, तो फिर गाइस अगले एपिसोड तक 1500 वेजिटेबल तो आराम से भाई बन के रेडी हो जाएगी, क्या बोलते हो कल तक, रुको मैं देखता हूँ, इतने जल्दी तो मुझे लग नहीं रहा वैसे फार्म में ना वेजिटेबल उगने वाली है, पर फिर भी लेट मी चेक वन क्या सीन है, जरा मुझे देखने दो, यहाँ पे उग गई है क्या, इतनी जल्दी तो नहीं उगेंगी, मिडलिंग में गाइस, मिडलिंग में नहीं उगेगी, टाइम लगेगा मिडलिंग में भाई, ये देखो मिडलिंग में अभी और टाइम लगेगा गाइस, इसको नॉट सीडेड, मजाक कर रहा है, पे सीड ही ना डाली है मैंने भाई, सीड तो मैंने फेंक दी अभी भाई, यहाँ पे सीड ही ना डाली थी मैंने यार, ग्रोथिंग, अब अच्छा ये ग्रोथिंग खत्म होने के बाद इनका फर्टिलिंग चालू हो जाएगा ना शायद से, इनका फर्टिलिंग चालू हो जाएगा मेरे, चलो कोई ना इसमें टाइम लगेगा गाइस, इतने जल्दी नहीं मिलने वाला है। चलो अभी फिलहाल के लिए एक काम करते हैं, ये वाला एपिसोड हम लोग ये पे ख़त्म करते हैं, ये जो वेजिटेबल्स है ना, जैसे वेजिटेबल को अगर अगले एपिसोड में हम लोग एक का डबल करने के लिए डाले तो भी आधा से एक घंटा तो लग ही जाएगा 1500 वेजिटेबल्स गाइस एक का डबल होने के लिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इंतज़ार और करता हूँ, आज हम लोग जो वेजिटेबल्स हैं उनको इक्का डबल करने के लिए यहाँ पे डाल के ही जाएंगे, ओके, क्योंकि 1500 वेजिटेबल उतने जल्दी भी हमारे क्रॉप लॉट्स में इक्का डबल नहीं होगी, आधे से एक घंटा तो कम से कम लगेगा। ओ वो उग रही है, क्या चाहिए था ओरिजिनली, क्या चाहिए ओरिजिनली के लिए, सिट्रोनल और लॉन्ग ग्रास, बराबर ऊपर उड़ रहा है क्या, नहीं ना, सिट्रोनल और लॉन्ग ग्रास, ये एक लॉन्ग ग्रास मिल गया, हो गया, सिट्रोनल ये रहा ना, ये रहा सिट्रोनल, उग रहा है, यहाँ पे भी उगेगा, यहाँ पे लॉन्ग ग्रास उग चुका है, यहाँ पे लॉन्ग ग्रास की एक एक्स्ट्रा सीड भी आ चुकी है, इस सीड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे ना कोई भी सीड नहीं है, चलो भाई आराम से अभी हाँ हो जाएगा, ओ उग गया नींबू, उग गया यहाँ पे एक नींबू उग चुका है, ये नींबू उग गया, काम 25 हो गया, चलो चुपचाप से अभी ऊपर चलते हैं, नींबू और लॉन्ग ग्रास ही चाहिए ना वापस से देखने, तो वरना
अगले एपिसोड में भी पता चला हम लोग टेम नहीं कर पाए। लॉन्ग ग्रास और सिट्रोनल बस, रेयर फ्लावर रेयर मशरूम जितने मुझे चाहिए थे उससे ज्यादा गाइस मैंने बना लिया है। ठीक है जी, बस मुझे इन दोनों को यहाँ पे इक्का डबल करने के लिए डाल दें। नींबू और इक्का डबल, और नींबू और ये इक्का डबल हो रहा है आराम से। चलो ये हार्ट, ये हार्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, स्कल निकाल लेता हूँ उसको, जो फालतू की चीज़ें जो हमारे काम की नहीं है वो निकाल देता हूँ। स्कल ठीक है, मीत है ना, हाँ ये बनने दो। चलो इसका कोई सीन नहीं, चलो स्कल को भी रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, सो गाइस आज का एपिसोड तो मैक्सिमम ग्राइंडिंग में हमारा निकल गया, बट अगले एपिसोड के लिए हम लोग ने सारी चीज़ें हमें बनाने के लिए डाल दिया। मतलब अगले एपिसोड में हमारा जो डोडो रेक्स है वो पक्का 100% टेम हो रहा है। बाकी ये वाला गाइस हमारा जो एपिसोड है वो हम लोग कर देते हैं अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे खत्म। अभी आप बोलोगे आज ही टेम करो, तो गाइस देखो अभी अगर मैं टेम करने के लिए भी चला जाऊँ ना तो भी मुझे 1-2 घंटा वेट करना पड़ेगा कि 1500, अभी वो 40 बने, 1500 गाइस लॉन्ग ग्रास और सिट्रोनल यहाँ पे इक्का डबल होना है, और उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, 1/2 से 1 घंटा है उससे भी ज़्यादा टाइम। इसलिए हम लोग जो टीमिंग है वो अगले एपिसोड में ही करेंगे। बाकी अभी के लिए ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है, मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में आर्क ड्रैगन हंटर के। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up.